तो कोई पूछे कि क्या आप रोजा रखेंगे, ये पूछने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दो कि मैं आज एकादशी रखा हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आगे रोजा रखूं। जी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि अयोध्या में, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करेंगे, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे, लेकिन मैं सबसे कहता हूं एक मुस्लिम संगठन ने मंदिर बनने के रास्ते को सिया ने साफ कर दिया है। सुन्नी भाई से भी मेरा अपील होगा कि आप भी मिलजुल करके, जैसे हनुमान छावनी में बन रहा है मस्जिद, वो हमारे हिंदू धर्मावली जो भी संत हैं वो सब मिलके कर रहे हैं, आप भी आए। आपके भी पूर्वज थे, भारत के अंदर कोई मुसलमान बाबर का वंशज नहीं है, कोई मुसलमान विदेशी नहीं है, भारत का मुसलमान राम का वंशज है, हमारे पूर्वज एक हैं। इसलिए पूजा पद्धति अलग हो सकता है, आज मैं अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार लूं तो क्या 100 साल बाद मेरे पूर्वज और मेरे भाई के पूर्वज एक होंगे कि अलग होंगे? आज मुसलमानों की स्थिति वही है। मैं मुसलमानों से निवेदन करता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के राम मंदिर हम बनाएंगे। वो तो मक्का मदीना जाएंगे, हम कहां जाएंगे? हम क्या पाकिस्तान में राम मंदिर बनेगा? नहीं, भारत में ही बनेगा। और ओवैसी जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, ओवैसी जैसे लोग जिनके दिल में, जिनके मन में, जिनके अंदर जिन्ना का जिन प्रवेश कर गया है, देश को तोड़ना चाहते हैं। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं तो जितनी बातें थी सारी बात कह दिया, समय आप पर सब मंदिर निर्माण हो जाएगी। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं सबसे कहना चाहता हूं, चुनाव आएगा और जाएगा, ये 125 करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। कौन है मैं जानता नहीं, कहां से, जिसको मैं जानता नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। विधानसभा का चुनाव ठीक हो गया, लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि हरियाणा सरकार ने गायत्री मंत्र को सारे स्कूलों में कंपलसरी कर दिया। मैंने कहा कि मंत्र सनातन धर्म में एक विज्ञान है और वो विज्ञान और मंत्र दोनों का समायोजन जब तक ना हो तो भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति के बगैर शिक्षा अधूरी है। अभी जो शिक्षा शिक्षे की होर, शिक्षे में केवल पैकेज की बात होती है कि मेरा बेटा पढ़ के कितने लाख का पैकेज लेगा, अच्छी बात है, पैकेज होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा में अगर मानवता न रहा, शिक्षा में अगर संस्कार और संस्कृति न रहा तो वो शिक्षा बेकार है। मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि गुरु सबों को चाहिए कि अब शिक्षा में केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति का भी समायोजन होना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा कैसी शिक्षा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ कहता हो कि मैं राष्ट्रपति का विरोध करूंगा, ये संघी है। मैं कहता हूं कैसे छात्र संघ हो, ऐसे विद्यार्थी हो या ऐसे कोई व्यक्ति हो,
राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति होते हैं और महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाना वो देशद्रोह के बराबर है। वैसे विद्यार्थियों को या वैसे संगठन को बैन कर देना चाहिए जो राष्ट्रपति के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है।